विधानसभा में प्रश्नोत्तर के दौरान सतना जिले का एक विषय आया था जिसमें हमारा जो समग्र स्वच्छता अभियान राज्य में चलता है, समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत प्रचार प्रसार मद में जो भी कंपोनेंट थे, प्रिंटिंग के भी थे और भी जो कंपोनेंट थे, उनमें गड़बड़ी होने की शिकायत सामने आई थी। मैंने प्रथम दृष्टया जाँच करवाई और मुझे उसमें वो गड़बड़ी मुझे भी समझ में आई थी, तो इस कारण से मैंने उसकी जांच के आदेश दिए हैं। विभागीय जांच वरिष्ठ अधिकारियों की जाएगी और जो भी जिम्मेवार अधिकारी इसमें रहेंगे उनके लिए दोष सिद्ध होने पर दंडित किया जाएगा। समग्र स्वच्छता अभियान हमारे राज्यों और देश में प्रधानमंत्री जी का भी और हम सभी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और यदि इसमें कोई गड़बड़ी करता है, किसी प्रकार की शिकायत मिलती है, खासतौर से प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि इसी कारण से आईसी मद में काफ़ी राशि का प्रावधान किया गया था कि इसमें पर्याप्त प्रचार प्रसार है, लेकिन देखने में ये भी आया है कि कहीं 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 इसमें उसका दुरुपयोग भी किया जाता है राशि का, तो इस कारण से आज मैंने इसका विधानसभा के फ्लोर पे उसका आदेश दिया है, इसकी जाँच किया। अच्छी बात यह है कि पहले जितना खर्च होता था दो साल पहले प्रचार प्रसार मद में आईसी मद में उसका हमने 10% कर दिया, अभी साल सर 2 करोड़ रुपये के करीब खर्च हुआ है, जबकि 2 साल पहले 27 करोड़ रुपये इसमें व्यय हुआ था। शिकायतें आई थी तो उस कारण से हम लोगों ने प्रभावी कार्रवाई की और अब प्रचार प्रसार मद में किसी प्रकार की शिकायत सामने आई। उन्होंने जो कहा था पूरी बात स्पष्ट नहीं कर पा रहे विधायक महोदय, मैंने उनसे कहा है कि वो हमें लिख के दे रहे, ग्राम पंचायत विशेष का मामला था, यदि उन्होंने मुझे लिख के दे दिया तो मैं निश्चित रूप से 1 सप्ताह में जाँच करवा के और जो भी संबंधित लोग हैं, दोषी लोग हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सचिव सरपंच अब पद पर नहीं रहे हैं तो सरपंच तो हट गए होंगे, उनके विरुद्ध रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी, उस सचिव के ऊपर प्रशासनिक सेवा से अलग करने की कार्रवाई की जाएगी और उसके विरुद्ध भी FIR कर। योजना 2006-07 में चलती थी भारत सरकार की SGRY सुनिश्चित ग्रामीण रोजगार योजना, वह योजना बंद हो गई, मर्ज हो गई, बाद में रोजगार गारंटी योजना। उस समय खाद्यान्न लोगों को वितरित किया जाता था, नगद राशि के एवज में खाद्यान्न वितरित किया जाता था, उसके बाद से नगद राशि का प्रावधान हो गया, खाद्यान्न बंद हो गया। उस समय का माननीय सदस्य जो रीवा के हैं उन्होंने प्रश्न किया था कि 2006-07 की यह योजना, इसका उस समय का खाद्यान्न था उस खाद्यान्न का अभी तक मिलान नहीं हो रहा है और इस कारण से उनकी जो शिकायत थी इसमें कहीं गड़बड़ी हुई। तो मैंने अपने उत्तर में यही कहा है कि आप जिस स्तर से चाहे जांच करवा लें, खासतौर से संभागीय स्तर पर जो डिविजनल कमिश्नर है उसके स्तर से जांच करवाने के लिए अपने अधिकारियों को आदेश भी दिए हैं और विधानसभा के पटल पर मैंने कहा है कि जल्दी से जल्दी हम इसकी रिपोर्ट मंगा लेंगे और उसके बाद भी यदि संतुष्ट नहीं हुआ हमें उसमें कमिश्नर की रिपोर्टों को गड़बड़ी मिली तो फिर हम लोकायुक्त या EOW जो कुछ भी होगा। 10 वर्षों की और इन 2 वर्षों की हमारी अनगिनत उपलब्धियाँ हैं, इनके बारे में मैं यदि चर्चा करूँगा तो वक्त बहुत लग जाएगा, पूरे प्रदेश की जनता इस बात की गवाह है। और कृषि के क्षेत्र से विद्युत उत्पादन के मामले को लेकर और सिंचाई के मामले को लेकर सभी चीज़ों में हमने कई गुना ज़्यादा प्रगति प्रदेश में की है और जिसके फलस्वरूप राज्य की GDP भी बढ़ी है, कृषि का उत्पादन भी बढ़ा है। तो ये कहना बहुत बेजा नहीं होगा कि इस समय मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के 1 नंबर प्रबल राज्य में शामिल है। प्रश्नोत्तर के दौरान विषय यह भी आया था कि सहकारी संस्थाओं में जो इंश्योरेंस होता है उसकी राशि कृषक के लिए नहीं मिल पाती है, तो मैंने जो व्यवस्था दी है अभी कि हम सभी जिला सहकारी बैंकों की शाखाओं को आज निर्देश कि जो भी प्रीमियम की राशि हो उससे काटते हैं कृषक से, उसकी रसीद उसको भेज दी जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और यदि कृषक के लिए क्लेम नहीं मिलता है का तो कृषक दावा कर सके। हाँ, ये बात सही है। इस समय हमारे जिला सहकारी बैंकों में 1/3 स्टाफ है, 2/3 हमारे पद खाली पड़े हुए। बैंकिंग भर्ती बोर्ड से हमने आग्रह किया है कि 1300 पदों की भर्ती उसके माध्यम से की जाए, उन्होंने सहमति भी दी है। आरक्षण का मामला था, वह भी सुलझ गया है, जल्दी जल्दी भर्ती हो जाएगी। तो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स, अच्छे जैसे हमारे कमर्शियल बैंकों में हैं और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हैं,
वैसे हमें बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे और हमारे सहकारी बैंक और ज़्यादा उन्नति करेंगे।